धर्मशाला उपचुनाव प्रभारी एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि धर्मशाला उपचुनाव में निर्धारित टारगेट से कम वोटों की जीत की समीक्षा की जाएगी। उपचुनाव में भाजपा की जीत में प्रदेश सरकार की गुड गवर्नेंस का असर साफ नजर आया। पार्टी ने जो 20,000 से जीत का लक्ष्य तय किया था उस तक क्यों नहीं पहुँचे इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सम्मानजनक जीत से संतुष्ट हैं, चुनाव को चुनौती के रूप में देखते हैं भाजपा वाले और पार्टी में हार जीत की समीक्षा की जाती है। धर्मशाला उपचुनाव में निर्धारित टारगेट से कम वोटों से जीत की समीक्षा की जाएगी। उपचुनाव में भाजपा की जीत में प्रदेश सरकार की गुड गवर्नेंस का असर साफ नजर आया। पार्टी ने जो 20,000 से जीत का लक्ष्य तय किया था उस तक क्यों नहीं पहुंचे इनकी समीक्षा की जाएगी। हम सम्मानजनक जीत से संतुष्ट हैं, चुनाव को चुनौती के रूप में देखते हैं भाजपा वाले चुनाव को चुनौती के रूप में देखते हैं, पार्टी में हार जीत की समीक्षा की जाती है। ये बात धर्मशाला उपचुनाव प्रभारी एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में संगठन की योजना अनुसार काम करते हुए जीत दर्ज की है। भाजपा ने युवा विशाल नेहरिया को प्रत्याशी बनाया जो कि आज जीते हैं, धर्मशाला का प्रतिनिधित्व करेंगे। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उन्हें हम स्वीकार करते हैं। परमार ने कहा कि कई योजनाएं सरकार ने शुरू की, उनका जनता को लाभ मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लिए अद्भुत योजनाएं भी शुरू की हैं। भाजपा ने धर्मशाला और पच्छाद में जीत के लिए सीएम जयराम ठाकुर को बधाई दी। उपचुनाव में हर नेता ने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। नव निर्वाचित विधायक विशाल राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है, आम परिवार से जीत भाजपा का विधायक है। हम धन नहीं विकास और विश्वास मारते हैं। धर्मशाला उपचुनाव में प्रभारी विपिन सिंह परमार ने कहा कि हम 6,500 से अधिक मतों से विजय सुनहरी जीत हासिल की है। जीत और हार के बाद समीक्षा होती है, राजनीति में कुछ कमी रह गई है, इसके लिए समीक्षा जरूरी है ताकि कमियों को दूर किया जा सके। अच्छी जीत के लिए सीएम जयराम ठाकुर को भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, वहाँ के धन्यवाद वहाँ के मतदाताओं का कि हिमाचल विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और वहाँ के मतदाताओं ने सही निर्णय लिया कि अगर विकास के पथ पर आगे बढ़ना है तो सरकार के साथ चले, सरकार के साथ चले और दोनों स्थानों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। इसके लिए मैं जनता का, मतदाताओं का बहुत बहुत आभार करता हूँ। कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? शुरू से मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस का चुनाव जो था वो बिखरा हुआ था, नेतृत्व नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई नीति नहीं थी, हवा में सारा काम चल रहा था। इसलिए शुरुआती दौर से और अंतिम समय तक ये लग रहा था कि कांग्रेस तीसरे स्थान पर आएगी, वही हुआ और मतदाताओं ने भी ठीक फैसला किया और इस फैसले का ये परिणाम है कि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रह गई और निर्दलीय दूसरे स्थान पर और भाजपा के प्रत्याशी 6,500 से अधिक मतों से जीते। भाजपा ने भी सब चुनावों में 20,000 पार का लक्ष्य का नारा दिया था, वो भाजपा कहीं ना कहीं अचीव उससे काफी दूर है, तो क्या कहेंगे? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जो 6,500 से अधिक मतों से हम जीते हैं ये एक अच्छी जीत है, सुनहरी जीत है। इस जीत के लिए यहाँ के मतदाताओं ने जो आशीर्वाद दिया उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीत और हार के बाद अवश्य समीक्षा होती है, तो समीक्षा अच्छे के लिए भी होती है, किसी की कमियों को अवगुणों को निकालने के लिए नहीं। राजनीति में कुछ कमी रह गई तो आगे आने वाले चुनावों में वो कमी दूर हो, ये कोशिश होगी। हमारी जीत अच्छी जीत हुई है, इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का तो बहुत बहुत बधाई, प्रदेश के नेतृत्व को बधाई, प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल जी को बधाई, श्री पवन राणा जी को बधाई और जिन हमारे नेताओं ने यहाँ चुनावी दौरे किए, श्री शांता कुमार जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट। और यहाँ पर संगठन और सरकार में जिन नेताओं ने पूरा समय यहाँ पर लगाया उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ।